हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ग्रामर की क्लासेस तो आप ले ही रहे हैं मुझसे। अब ऐसा क्या किया जाए स्लोली कि आपके मुंह पर इंग्लिश आने लगे, तो उसके लिए आई थॉट वन आइडिया दैट व्हाई शुड नॉट आई सेंड सम सिंपल सेंटेंसेस सो दैट यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एट होम। छोटे सेंटेंसेस हैं, स्मॉल सेंटेंसेस, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, स्टार्ट दी सेंटेंसेस स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत ईजी हैं। आप इनमें से जो है बहुत सारे सेंटेंसेस जानते भी होंगे बट यू डोंट स्पीक, तो बोलना शुरू करो। यू हैव अ डाउट दिस थिंग, यू हैव अ डाउट इन योर माइंड समटाइम्स कि ये करेक्ट है भी या नहीं है। सो दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, जस्ट चेक देम आउट एंड क्या है ये। एंड ये बहुत ऐसे सेंटेंस जो आप डेली यूज़ करते हो। सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद दी सिंपल सेंटेंसेस। घर में हो, ट्राई टू स्पीक दी सेंटेंसेस विद योर पेरेंट्स एज वेल, विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड ट्रस्ट मी, नोबडी विल से टू यू दैट इंग्लिश मत बोलो, ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, कोई नहीं कहने वाला है। इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग डेफिनेटली ट्रस्ट मी, अगर कोई कहता है तो इग्नोर इट, क्योंकि इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट थिंग। सबसे अच्छी बात यही है, आप इग्नोर करोगे आफ्टर सम टाइम, दो तीन बार इग्नोर करो, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दे विल एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। सो फॉर ट्राइंग टू इम्प्रूव, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं हर्डल्स आते ही आते हैं, ठीक है। सो डोंट get afraid of all these things, ठीक है। So now we'll start this thing, we'll start the class today. So these sentences are only for daily use sentence. ये daily use sentence हैं, you can use these sentences in daily life, right? Try to speak. मैं बार बार यही कहती हूँ, try to speak, don't hesitate, hurdles आएंगे, people will comment, जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस से, क्योंकि आप सोचो ये बात कि एकदम से इंग्लिश आ जाएगी, इट विल नेवर, ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हर कोई आपके घर में, आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, इवन मदर भी हैं, तो उनको बोलो कि मम्मी आप भी बोलो ये सेंटेंसेस, ठीक है। अगर वो नहीं बोलती हैं तो कोई बात नहीं है, उनको आपको फोर्स नहीं करना है, बट यू विल स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। सो दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, जस्ट लुक एट दीज थिंग्स कि मैंने लिखा है दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन English. Okay, so very first thing before starting this class, I want to tell you one thing that एक बात कही जाती है, think in English. Let me choose another color. Yes. So ये कहा जाता है think in इंग्लिश। ये करोगे कैसे, आप कैसे किया जाता है? कुछ लोग कहते हैं इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी मदर टंग ये इंग्लिश नहीं है। ट्रस्ट मी, इट इज़ पॉसिबल, कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ, यू डोंट नो कैसे पॉसिबल है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि पॉसिबल कैसे है। जब आप इनको बोलना शुरू करोगे तो स्लोली यू विल रियलाइज़, और ऐसे ही मैं 10 सेंटेंसेस करके आपको जो सेंटेंसेस दूंगी उसमें आप रियलाइज़ करोगे, धीरे धीरे आपके ऊपर इंग्लिश आएगी। एंड स्लोली इट इज़ अ प्रोसेस, एकदम से नहीं होता है कि मैंने कहा इंग्लिश में सोचो तो आप इंग्लिश में सोचने लग जाओगे, नहीं होगा ऐसा। बहुत साल लग गए इंग्लिश हिंदी सीखने में आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखने में भी कुछ मंथ्स ही लगेंगे, बट एक प्रोसेस है ये, आपको इस स्टेज पे लाने का एक प्रोसेस है जहाँ पर आप स्टार्ट कर दोगे क्या, थिंक करना इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं बोर। सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू, येस, सो वील स्टार्ट द क्लास। मेक द बैट प्लीज़, मेक द बैट प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ कब होता है, जब आप
आप बेड से उठे, बेड गंदा पड़ा है, आपकी मम्मी ने कहा कि चलो बेड ठीक करो, ठीक है, तो यू आर इन हरी, ठीक है, आपको बहुत जल्दी है, कहीं भी वॉशरूम जाने की जल्दी है आपको, कहीं जाना है आपको, कुछ काम है, तो आप जब आप मम्मी से बोलोगे, अपनी सिस्टर से बोलोगे, तो कैसे बोलोगे, प्लीज़ यूज़ करके, लेकिन आपकी मम्मी बोलेंगी तो वो बोल सकती है मेक द बेड, लेकिन आपने आपने बोलना है बड़ों से प्लीज़ करके, अगर आपकी मम्मी प्लीज़ बोल देती है दैट्स वेरी गुड, बट नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज़ स्विच ऑफ ऑन द लाइट, प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यू को सेव करना है, और ये बहुत जो है फ़ैन के लिए, लाइट के लिए बच्चे क्या करते हैं, स्टॉप द लाइट, ऐसे मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे, वही मजाक बन जाता है, स्विच ऑफ ही बोलते हैं इसके लिए, स्विच ऑन या ऑफ, पुट भी बोलते हैं, कई लोग इसकी जगह पर पुट भी यूज़ कर देते हैं, पुट ऑफ या ऑन द लाइट, लेकिन स्विच वर्ड इज़ करेक्ट, आप स्विच यूज़ करो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें हैं उनके लिए स्विच यूज़ करो, राइट आपको ये वर्ड्स आज से इंग्लिश में बोलने हैं, डोंट ओवर ईट योर सेल्फ, अच्छा डोंट ओवर ईट से भी काम चल जाएगा, आप ना आपके फेवरेट चीज़ बनी है, आज पकौड़े बने आप खाए जा रहे हो, आपकी सिस्टर ने क्या बोला, डोंट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा ना, सो डोंट ओवर ईट, और योर सेल्फ मतलब ऐड कर लिया तो मतलब अपने आप में ज़्यादा मत खाओ, तो यहाँ तक काम चल सकता है, लेकिन ये बोला तो और भी कंप्लीट सेंटेंस होगा, ठीक है, नाउ थर्ड इज हो गया डन, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है, तो आज मम्मी ने कहा एक काम करो, मैं तुमको एक घंटे के लिए फ्री कर रही हूँ, अपने एक दो फ्रेंड्स को बुला लो, वैसे लॉकडाउन है प्लीज़ मत बुलाना, घर में ही गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, मम्मी ने कहा कि ठीक है अब मैंने एक घंटे के लिए तुमको एक रूम में फ्री कर दिया है, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है, सो गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, टेक ऑफ योर शूज़, बाहर से जब भी आपके पेरेंट्स कोई भी आता है, फादर आता है, तो आप उनको प्लीज़ करके बोलोगे, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है, और अगर नॉर्मली है आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं आपको टेक ऑफ योर शूज़, अच्छा इसकी जगह पर एक और वर्ड है दैट इज़ रिमूव योर शूज़, ठीक है, रिमूव योर शूज़ भी यूज़ किया जाता है, रिमूव योर शूज़, अगर टेक ऑफ अजीब लग रहा है तो रिमूव वर्ड यूज़ करो, टेक ऑफ की जगह चलेगा, ठीक है, टेक ऑफ योर शूज़, रिमूव योर शूज़, पुट ऑफ योर शूज़, ठीक है, एक वर्ड होता है यहाँ पर पुट ऑफ योर शूज़, मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप तीन वर्ड में से कुछ भी बोलो, हर बार एक ही वर्ड मत बोलो, टेक ऑफ, समटाइम्स यू से टेक ऑफ, रिमूव, रिमूव योर शूज़, अच्छा यहाँ भी चेंज कर सकते हो, शूज़ की जगह कह सकते हो क्लोथ्स, सॉक्स, ठीक है, और इस तरीके से कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज़ को निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है, रिमूव योर कैप, ठीक है, रिमूव योर मास्क, डोंट रिमूव योर मास्क व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दीज फाइव सेंटेंस, दे आर वेरी इजी, बहुत इजी हैं, डेली बोलते हो, सो प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, नाउ दीज फाइव सेंटेंसेस, बटन अप योर शर्ट, शर्ट में बटन खुला हुआ है, आपका ब्रदर बाहर जा रहा है और आपने तुरंत बोला अरे ये देखो बटन अप योर शर्ट, प्लीज़ बटन अप योर ड्रेस भी बोल सकते हो, अगर आपके शूज़ में लगा हुआ है बटन तो वो भी बोल सकते हो, बटन अप, बटन को लगा लो अपने शर्ट के, थ्रेड द नीडल, आजकल घर में हो, लॉकडाउन है, कपड़े भी थोड़े थोड़े फट जा रहे होंगे, मम्मी ने कहा कि इसको सिल दो ज़रा सा, या आप ही नहीं उठा लिया, निडल में थ्रेड नहीं जा रहा है, यू विल से थ्रेड द निडल प्लीज़, ठीक है, अपनी सिस्टर से बोल रहे हो कि मेरे कपड़ा थोड़ा सा फट गया मुझे सिलना है, थ्रेड द निडल प्लीज़, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट करोगे, एकदम से इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल आपको उसके लिए एक एक करके चलो, एकदम से आप फोर्थ फ्लोर पर जाना चाहते हो, इट इज़ रियली इम्पॉसिबल ना, लिफ्ट से नहीं जाना है हमने, क्योंकि लिफ्ट से जाने वाले कभी कभी फंस जाते हैं, तो हम कैसे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, सो थ्रेड द नीडल, रिंग आउट योर क्लोथ्स, बहुत बोला जाता है कपड़े निचोड़ दो, वो देखो कैसे गंदे पड़े हुए हैं, रिंग आउट योर क्लोथ्स, या टॉवल, रिंग आउट योर टॉवल, ठीक है, या टॉल बोलते हैं, एक्चुअली करेक्ट प्रोनंसिएशन इज टॉल, सो रिंग आउट योर टॉल और क्लोथ्स, राइट,
कपड़े निचोड़ दो, निचोड़ने को बोलते हैं, स्क्वीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ स्क्वीज़ भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो स्क्वीज़, ठीक है। नींबू निचोड़ने को कुछ को भी, इनको भी बोलते हैं, तो उनको रिंग आउट तो नहीं बोलेंगे ना, उनको स्क्वीज़ ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिंग आउट वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया है मैंने, ना कि अगर लेमन को निचोड़ना है तो इसके लिए स्क्वीज़ बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखना। सेट द अलार्म एट 6, मम्मी सुबह उठ करके ना मैंने आई विल डू एक्सरसाइज एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू, मेक टी फॉर यू एंड आई विल प्रिपेयर यू कैन से एनी थिंग, ठीक है, आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू, कॉफ़ी फॉर यू एंड जूस फॉर यू, एनी थिंग। सो सेट द अलार्म एट 6, 6 बजे का अलार्म लगा दो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेट द अलार्म एट 6, मैं 6 बजे उठूँगा एंड आई विल डू एक्सरसाइज और कुछ भी, ठीक है। डोंट बॉदर मी, अच्छा डोंट बॉदर, इसका सेंटेंस का सेंटेंस क्या हुआ, डोंट बॉदर मतलब परेशान हो और परेशान मत हो, और डोंट बॉदर मी मतलब मुझे परेशान मत करो। अक्सर बोलते छोटे भाई बहन लगे रहते भैया जरा ये बनाते ना, ओ हो डोंट बॉदर मी, स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे ही इंग्लिश आती है। तो फॉर 1 वीक मैंने आपको ये काम दे दिया है, क्या दे दिया है, 10 सेंटेंसेस के लिए जो कि बहुत ईजी हैं, इनकी करनी है आपको प्रैक्टिस फॉर 1 वीक। मैं जल्दी ही 1 वीक, क्या 1 वीक तो निकल गया है, निकलने ही वाला है, तो आप कहोगे 1 वीक में ये तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन 1 वीक के बाद क्या होगा, इट विल बिकम योर हैबिट, ठीक है। आप 1 वीक बोलो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बोलो, डोंट स्पीक दीज वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज इन हिंदी, इन इंग्लिश ओनली, चाहे 5-6 सेंटेंसेज बोलेंगे बट बोलेंगे, मैं और 10 सेंटेंसेस जो आपको अपलोड करूँगी वो सेंटेंस और भी यूज़ के होंगे, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश स्लोली, राइट, एंड आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 1 वीक इट विल बिकम योर हैबिट। नहीं होती है तो आप इसको 10 डेज करो, मैं ना डॉक्टर की तरह बिहेव कर रही हूँ, आई एम बिहेविंग लाइक डॉक्टर, कि अगर ये दवाई जो है आप कितने दिन के लिए लीजिए, 10 डेज, 1 वीक के लिए लीजिए, अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है, तो ये इसको मतलब इसको बनाइए हैबिट। हमारा मेन काम क्या है, प्रैक्टिस से इसको हैबिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना, राइट। सो फॉर डूइंग दिस यू नीड प्रैक्टिस, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करो एंड गिव मी योर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देना है मुझे। एंड इसके साथ में प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, इसके साथ साथ में लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, आप लोग पढ़ते पढ़ते लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ठीक है, और इन्जॉय करो, थैंक यू।